कच्चे आम का इंस्टेंट और खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो कच्चे आम। हमने इन्हें अच्छे तरीके से धो लिया है। सबसे पहले हमें इनका छिलका उतारना है। हम पीलर से इसे पील ऑफ कर लेंगे। इसी तरह हम सभी आम के छिलके उतार लेंगे। इसके बाद इन्हें कट करना शुरू करेंगे। इस तरह से हमें सभी आम को कट करना है और इनकी गुठली अलग करनी है। हम गुठली को यूज नहीं करेंगे। इंस्टेंट अचार के लिए हमें इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। इस तरह से, इससे ज़्यादा बड़ा पीस नहीं रखना। सभी आम को इस तरीके से छोटा छोटा पीस में कट कर लिया है। अब हमें इन्हें उबालना है। इसके लिए हम प्रेशर कुकर में आधा लीटर पानी डालेंगे और हाई फ्लेम पर एक सीटी लगा देंगे। आप किसी भी बर्तन में इन्हें उबाल सकते हैं। हाई फ्लेम पर हमें एक सीटी लगानी है, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। अब हमें मसालों को रोस्ट करना है। इसके लिए हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे और इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच राई दाना, एक बड़ा चम्मच सौंफ। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच हींग और एक छोटी चम्मच अजवाइन। अब हमें इन मसालों को लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, यानी कि भूनना है। रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इससे अचार में अच्छा फ्लेवर आता है मसालों का। अब मसाले अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें गैस को बंद करना है। हम यहाँ पर इन्हें साबित ही यूज करेंगे, आप चाहें तो इन्हें ग्राइंड करके भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए गैस पर रख देंगे और इसमें 2 कप पानी डालेंगे और पानी को गर्म होने देना है। पानी गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी और इसे अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे। प्रेशर कुकर में एक सीटी लगाने के बाद आम इस तरह दिखेंगे, यानी कि ना ज़्यादा कच्चे ना ज़्यादा पके। चीनी अब मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। हमें इसकी कोई भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ चीनी को पानी में मेल्ट करना है। चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 टीस्पून यूज़ करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काला नमक और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे रोस्ट किए हुए मसाले और इसे चलाते रहें। गैस की फ्लेम को हाई मीडियम करना है। सभी मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब हमें इसमें ऐड करने हैं बॉईल किए हुए आम के पीसेस। 2 मिनट तक इसे चलाते रहें। अब हम गैस को बंद कर देंगे
और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे एयर टाइट जार में निकालना है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है इंस्टेंट खट्टा मीठा अचार। जितना ये अचार पुराना होता जाएगा उतना ही गाढ़ा भी होता जाएगा। आप इसे एक साल तक स्टोर कर सकते हैं।